तस्वीर दिखाते हैं कि आज सुबह की बारिश से पानी पानी हो गई है दिल्ली। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत झमाझम बारिश पूरे दिल्ली और एनसीआर में हो रही है। भगवान भी स्वागत कर रहे हैं देश के नए राष्ट्रपति का। हालांकि लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं इस बारिश के बाद, जगह जगह जल भराव हो गया है, गाड़ियों के लंबे लंबे जाम लग गए हैं। आज वर्किंग डे है, लोग निकले हैं अपने दफ्तर के लिए सुबह, और हर आदमी मार्जिन लेके निकलता है जब इस तरह की बारिश होती है तो मार्जिन, लेकिन उसके बाद भी अमूमन यही तस्वीर हर बारिश के बाद हमारे सामने होती है। दिल्ली में देर रात से हो रही बारिश के चलते जगह जगह वाटर लॉगिंग और जाम की स्थिति हो गई है। इस वक्त हम आईटीओ के यमुना जी के पुल के ऊपर खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे जो पेड़ हैं वो बारिश और तेज हवा के चलते टूट कर गिर गए हैं। आप इस यमुना जी के पुल पर अगर कतार में आगे देखें तो कई सारे जो पेड़ हैं वो टूट कर यहाँ पर गिर गए हैं। कुछ देर पहले तक यहाँ पर इसी वजह से काफी जाम लग गया था, हालांकि अब बारिश कुछ कम हो गई है, उसके चलते जो ट्रैफिक है वो स्मूथ हो गई है। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में जगह जगह ये बारिश के चलते जो पेड़ गिरे और जो वाटर लॉगिंग हुई है उसके चलते जो ट्रैफिक है वो कई जगह पर जाम हो गए। अगर आप रिंग रोड से जा रहे हैं, मोती नगर या हयात के आसपास है, या फिर साउथ एक्स की तरफ है, तो उस रास्ते से थोड़ा बचने की कोशिश करें, क्योंकि वाटर लॉगिंग और बारिश के चलते वहां पर काफी लंबा जाम लगा हुआ है। सुबह का टाइम है, लोग अपने दफ्तरों के लिए घर से निकले हैं और इसी के चलते ट्रैफिक भी ज्यादा है और वाटर लॉगिंग ने तो जो ट्रैफिक की रफ्तार है लगभग थाम दी है। तो इसलिए अगर आप अपने ऑफिस के लिए घर से निकले हैं तो थोड़ा समय से निकलिए ताकि आप अपने ऑफिस लेट ना हो जाए। कैमरामैन संजय के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आप देख सकते हैं कि पेड़ एक तरफ झुक गए हैं, कुछ पेड़ टूट गए हैं। जब इस तरीके की तेज बारिश होती है तो मिट्टी ढीली हो जाती है और उसके बाद इस तरह के भी नजारे देखने को मिलते हैं और ये भी ट्रैफिक को बाधित करते हैं। और बस गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई और ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि कुछ गाड़ियां अभी भी सुचारू रूप से चल रही हैं, लेकिन कुछ हिस्सों में राजधानी दिल्ली में देर रात से हो रही बारिश ने जहां मौसम बेहद सुहाना कर दिया है, वहां लोगों की दिक्कतें भी काफी बढ़ा दी है, क्योंकि जगह जगह वाटर लॉगिंग हुई है, पेड़ गिरे हैं, जिसके चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई है। लोग जो है ऑफिस जाने के लिए मेट्रो का अब ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मयूर विहार मेट्रो स्टेशन पर हैं और अगर कैमरे की नजर से आप सामने देख पाए तो कितनी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, मेट्रो का इंतजार कर रहे हैं। बारिश के चलते जो मेट्रो की फ्रीक्वेंसी है वो भी काफी कम हुई है और जो लोग हैं अपने व्हीकल को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बसों और मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के चलते जो दिल्ली के मेट्रो स्टेशन है, चाहे राजीव चौक हो, मंडी हाउस हो या मयूर विहार मेट्रो स्टेशन, अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर अभी मेट्रो आकर निकली है, लेकिन बावजूद उसके बड़ी संख्या में 100 से भी ज्यादा की संख्या में जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर अभी भी मेट्रो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बारिश ने मौसम तो बेहद सुहाना कर दिया है लेकिन लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। इसलिए अगर आप अपने घर से ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो थोड़ा टाइम से निकले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें जिससे कि आप रास्ते में जाम में न फंस जाएं। कैमरामैन संजय के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ये गाजियाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बारिश के चलते जल भराव हो गया है और लंबा लंबा जाम जो है गाड़ियां कतारों में नजर आ रही हैं। जतिन की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके की तस्वीरें हैं और आनंद विहार से और नेशनल हाईवे 24 से मोहन नगर और दिल्ली की तरफ जाने वाले इस रास्ते पर आप ट्रैफिक देख सकते हैं कितना
हैवी है। ये आज की स्थिति है क्योंकि एक तरफ कांवड़ है और दूसरी तरफ बारिश हुई है और बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मैं दूसरी तरफ भी आपको नीचे दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कितना हैवी ट्रैफिक है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक वाहन ही वाहन रुके हुए हैं और रोड पर अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो इस मुख्य रोड पर जल भराव भी हो गया है। वहां सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए आप किस तरह से सकते हैं इन तस्वीरों में कि कैसे पानी भरा हुआ है। मोटरसाइकिल वाला आपको दिख रहा है रेलिंग के ऊपर पैर रखा हुआ है, जो गाड़ी में है वो तो तब भी अपने शीशे चढ़ाए और चले जा रहे हैं, लेकिन जो बेचारे टू व्हीलर्स पर हैं, साइकिल पर हैं, रिक्शा में चल रहे हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, उनके लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी हो जाती है। और हमारी सरकारों का इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। हम बहुत सारी चीजों पर चर्चा करते हैं लेकिन ये असली समस्या है। ये आम आदमी रोज जूझता है इस तरीके की समस्याओं से, जब बारिश हो जाती है और जल भराव हो जाता है, आदमी काम के लिए निकला है वहां लेट हो रहा है, हर जगह बायोमेट्रिक अब वो लग गए हैं और उस तरह से लेट होता है तो तनख्वाह कट जाती है, तो बहुत मुसीबत खड़ी हो जाती है जब इस तरह की बारिश हो जाती है। और ये नोएडा की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली और गाजियाबाद के साथ साथ। तो हम लगातार आपको बता ही रहे हैं कि आज